हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग विलियम शेक्सपियर के कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग जो है 150 के करीब ये क्वेश्चंस हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट, हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? शेक्सपियर ने टोटल कितने प्ले लिखे? शेक्सपियर ने जो है टोटल 37 प्लेस लिखे हैं, 37 प्लेस और 154 सोनेट्स जो हैं शेक्सपियर ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेरास स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर टू शेक्सपियर बाय? ये जो लाइन है ये किसने बोली थी कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक? तो ये जो है शेक्सपियर को कहा था बेन जॉनसन ने। स्टार्टफोर्ड इज ए चार्मिंग लिटिल विलेज इन? स्टार्टफोर्ड जो है एक छोटा सा गाँव है, चार्मिंग सा गांव है, तो वो कहाँ पर सिचुएटेड है? तो वो जो है वॉरविक शायर में है। इन शेक्सपियर ट्रेजडी द डोमिनेंट नोट इज? शेक्सपियर की ट्रेजडी में जो डोमिनेंट नोट होता था वो क्या होता था? तो वो था कैरेक्टर इज डेस्टिनी, कि जो कैरेक्टर है वही डेस्टिनी है। होलोफर्नेस इज ए स्कूल मास्टर इन वन ऑफ शेक्सपियर स्विच प्ले? होलोफर्नेस जो है एक स्कूल मास्टर है शेक्सपियर के एक प्ले में, कौन से प्ले में है वो? तो वो हमें देखने को मिलेगा लव्स लेबर्स लोस्ट में। द डिफीट ऑफ आर्मडा इन? आर्मडा का जो है डिफीट कब हुई थी? 1588। द नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू? वीनस और एडोनिस जो है किसको डेडिकेट है? तो ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को है, जिसका नाम है हेनरी रोसले और बैरन ऑफ टिचफील्ड। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड? शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो अनफिनिश्ड है? तो डैट इज हेनरी एट। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज कॉल्ड लॉस्ट प्ले? शेक्सपियर का कौन सा प्ले जो है लॉस्ट प्ले है? डैट इज द लॉस्ट कार्डेनियो। कार्डेनियो जो उनका प्ले है वो लॉस्ट प्ले है, और उसको भी जो है अनफिनिश्ड प्ले भी कहा जाता है। द फर्स्ट फ्लो ऑफ शेक्सपियर केम इन? जो सबसे पहला जो फोलियो था शेक्सपियर का वो कब आया था? वो आया था 1623 में। और किसने जो है उसको पब्लिश किया था? वो क्या था? हेमिंग एंड कॉन्डेल ने, हेमिंगवे और कॉन्डेल ने। द फोलियो कंटेन प्ले? और फर्स्ट फोलियो में कितने प्ले थे? तो फर्स्ट फोलियो में जो प्ले थे डेट वॉज 36। वन प्ले वॉज नॉट इंक्लूडेड? एक प्ले जो फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं था तो वो थे पेरिकल्स। इन ए वर्ड ही इज अ यूनिवर्सल पोइट? एक शब्द में अगर मैं कहूँ तो वो एक यूनिवर्सल पोइट रहे हैं। ये शेक्सपियर के लिए कहा था किसने? डब्ल्यू जे लॉन्ग ने। आई डू नॉट रिमेंबर डेट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। तो ये लाइन जो है ये कोथे की लाइन है। उन्होंने कहा था कि मुझे याद नहीं कि कोई भी बुक या कोई भी पर्सन हो या कोई भी इवेंट रहा हो मेरी लाइफ का जिसने मुझे इतना इम्प्रेस किया हो या मेरे ऊपर इतना इम्प्रेशन डाला हो जितने कि शेक्सपियर के प्ले ने डाला है। तो ये लाइन जो है गोथे ने शेक्सपियर के लिए कही थी। इवन दोज हु रीड नो शेक्सपियर आर स्टिल अनकॉन्शियसली गाइडेड बाय हिम फॉर हिज थॉट एंड एक्सप्रेशन हैव सो प्रीवेडेड अवर लाइफ एंड लिटरेचर दैट इट इज इम्पॉसिबल सो लॉन्ग एज वन स्पीक्स इंग्लिश लैंग्वेज टू एस्केप हिज इन्फ्लुएंस। तो ये जो है ये भी डब्ल्यू जे लॉन्ग ने कहा है, और वो कहते हैं कि मतलब जिस इंसान ने शेक्सपियर को नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी जो है जिसने शेक्सपियर को नहीं पढ़ा है, वो भी जो है अनकॉन्शियसली बिना जाने गाइडेड बाय हिम शेक्सपियर के द्वारा गाइड किया जाता है, क्योंकि उसकी जो थॉट्स थी उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा प्रीवेडिड हो चुके हैं, हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा वो आ चुके हैं हमारी लाइफ में और हमारे लिटरेचर में कि उनसे बचना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है कि हम कोई भी जो है लैंग्वेज बोले, इंग्लिश लैंग्वेज अगर हम बोलते हैं तो उसके इन्फ्लुएंस से बचना इम्पॉसिबल है। यानी कि हमें नहीं पता होता कि हम शेक्सपियर की हम कौन सी लाइन बोल रहे हैं। शेक्सपियर ने इतने सारे जो है कोट्स दिए हैं, इतने सारे जो है उन्होंने सेइंग कही है, इतने सारे जो है उन्होंने वर्ड्स दिए हैं कि वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। हमारी जो लाइफ है या हमारा जो लिटरेचर है उसमें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल ही जाते हैं। तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा, भले ही उसने शेक्सपियर को ना पढ़ा हो, लेकिन उससे इन्फ्लुएंस वो जरूर होगा, उसके ऊपर जो है शेक्सपियर का इन्फ्लुएंस जरूर पड़ेगा। हु पब्लिश द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर? फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर जो है किसने पब्लिश की थी 1709 में? तो वो की थी निकोलस रॉ ने।
who attacked Shakespeare in a pamphlet called A Groat's Worth of Wit Bought with a Million of Repentance. A Groat's Worth of Wit, ये किसने कहा है शेक्सपियर को? तो ये कहा है रॉबर्ट ग्रीन ने. I loved the man and do honor his memory on this sin idolatry as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. यानी कि मैं जो उस इंसान से प्यार करता हूँ उसको सम्मान देता हूँ, उसकी जो मेमोरी है उसको मैं सम्मान देता हूँ, और इतना ज़्यादा मैं उसको सम्मान देता हूँ जितना मैं किसी को भी नहीं देता. वो वास्तव में जो एक ऑनेस्ट थे और एक ओपन और फ्री नेचर वाले इंसान रहे हैं. तो ये जो है ये कहा है बेन जॉनसन ने. ग्लोब एंड ब्लैक फायर्स आर द नेम्स ऑफ थिएटर्स विच आर एसोसिएटेड विद. तो जो ये ग्लोब थिएटर था और ब्लैक फायर जो थिएटर था ये शेक्सपियर से एसोसिएट करते थे. शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड विद समवन इन द टू लास्ट पार्ट ऑफ हेनरी सिक्स्थ एंड इन रिचर्ड थर्ड. शेक्सपियर ने जो है हेनरी सिक्स्थ और रिचर्ड थर्ड में जो है किसी के साथ काम किया था, तो वो थे मार्लो. मार्लो के साथ जो है उन्होंने ये दो प्ले लिखे थे. इट इज़ सैड डैट हेनरी एट्थ इज़ ए वर्क ऑफ शेक्सपियर. एंड ऐसा कहा जाता है कि जो हेनरी एट्थ वर्क है वो किस किस का वर्क है? शेक्सपियर का और जॉन फ्लेचर का. तो जो ये हेनरी एट्थ है ये शेक्सपियर ने मिलकर लिखा था जॉन फ्लेचर के साथ. FLETCHER फ्लेचर. द क्वीन कमेंडेड शेक्सपियर टू शो फॉलस्टाफ इन लव देन शेक्सपियर रोट ए प्ले. जो क्वीन थी उन्होंने शेक्सपियर को कमांड किया था कि वो जो है किसी प्ले में फॉलस्टाफ को प्यार में दिखाए. तो तभी जो है शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था मैरी वाइव्स ऑफ विंडसोर, और इसमें जो है शेक्सपियर ने फॉलस्टाफ को दिखाया था एज ए लवर. शेक्सपियर्स कंटेम्प्रेरी वॉच. शेक्सपियर के जो कंटेम्प्रेरी थे वो कौन थे? डेट वॉज वेन जॉनसन. हु रोट फोर बुक्स, द व्हील ऑफ फायर, द इम्पेरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ ऑन शेक्सपियर्स क्रिटिसिज्म. शेक्सपियर की क्रिटिसिज्म पर जो है ये चार बुक लिखी थी, द व्हील ऑफ फायर, द इम्पेरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ. तो ये जो लिखी थी ये लिखी थी विल्सन नाइट ने. अदर्स अबाइड और क्वेश्चन द आर्ट फ्री. ये अबाउट होम डिड मैथ्यू आर्नोल्ड राइट. ये जो है मैथ्यू आर्नोल्ड ने लाइन लिखी है किसके लिए लिखी है? तो ये शेक्सपियर के लिए लिखी है. शेक्सपियर के लिए जो है ये लाइन मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है कि अदर्स अबाउट आर क्वेश्चंस द आर्ट फ्री, कि दूसरे तो जो है वो हमारे क्वेश्चन से बंधे हुए हैं लेकिन तुम तो बिल्कुल मुक्त हो. हेलेंस चीक बट नॉट हर हार्ट, क्लियोपेट्रास मैजेस्टी, एटलांटास बेटर पार्ट, सेड ल्यूक्रेटियस मोडेस्टी, हु इज रेफर्ड हेयर. ऐसा किसके बारे में कहा है कि हेलन की तो चीक है उसके लेकिन उसका जो है हार्ट नहीं है. क्लियोपेट्रा की मैजेस्टी है उसके अंदर, और एटलांटा का जो है बेटर पार्ट है, ल्यूक्रेटिया की मोडेस्टी है. तो ये जो कहा गया है ये कहा गया रोजालिंड को. रोजालिंड जो है एज यू लाइक इट की हीरोइन है, तो रोजालिंड के बारे में ये कहा गया है. डायनास लिप इज़ नॉट मोर स्मूथ एंड र्यूबियस दाई स्मॉल पाइप, इट इज एज द मेडन्स ऑर्गन श्रिल एंड साउंड उस पर्सनैलिटी इन बींग रेफर्ड हेयर. यहाँ पर जो है किसकी पर्सनैलिटी के बारे में ये बात कही गई है कि डायनास लिप इतने स्मूथ नहीं है एंड र्यूबियस नहीं है दाई स्मॉल पाइप. तो ये कही गई है ये वोयला के लिए, वोयला इन ट्वेल्थ नाइट. आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी. मैं जो हूँ तुम्हारी लेडी को वू करने के लिए, यानी कि तुम्हारी लेडी को मनाने के लिए जो है मैं जो हो सकता है वो करूँगी. तो ये जो है ये वायला ने बोला था, वोयला जो कि डिस्गाइज थी सिजेरियो के रूप में, जिसने अपना भेस बदला हुआ था और वो एक लड़का बनी हुई थी और उसने जो है अपना नाम सिजेरियो रखा हुआ था. तो ये जो है लाइन सिजेरियो ने बोली थी, या आप कह सकते हैं कि वोयला ने बोली थी जो कि सिजेरियो के भेस में थी. लुक टू हर मूड इफ दू हैज आइज टू सी, सी हैज डिसीव्ड हर फादर एंड मे दी. कि मूड देखो, अगर तुम्हारी आंखें हैं और तुम देख सकते हो तो उसने अपने फादर को धोखा दिया है और वो तुम्हें भी दे सकती है. तो ये लाइन जो है बर्बेंसियो ने बोली थी ओथेलो के लिए, ओथेलो को बोली थी डेस्टेमोना के लिए कि डेस्टेमोना ने जो है मुझे धोखा दिया तो वो तुम्हें भी दे सकती है. वन डेट लव नॉट वाइजली बट टू वेल, हु इज़ द स्पीकर. एक ऐसा इंसान जिसने कि बुद्धिमानी से प्यार नहीं किया लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार किया. तो ये लाइन जो है ओथेलो ने बोली थी जब वो अपनी वाइफ को मार देता है उसके बाद. देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, ही वॉज ए जेंटलमैन ऑन होम आई बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट.
हेयर किंग डंकन कमेंट्स ऑन। ये लाइन जो है किंग डंकन बोलते हैं कि ऐसा कोई भी आर्ट नहीं है जिससे हम जो है पता लगा सके किसी भी इंसान के फेस को देखकर कि उसके माइंड में क्या कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। और वो तो एक जेंटलमैन था और मैंने जो है उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया था। तो किंग डंकन यहाँ पर कहते हैं द थीन ऑफ कोडर के लिए, द थीन ऑफ कोडर जो कि उन्हें चीट कर देता है, दुश्मनों के साथ जाकर वो मिल जाता है, तो जो डंकन है तब वो उसके लिए ये बोलते हैं। ए लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ द डीट, ये लाइन बोलते हैं लेडी मैकबेथ मैकबेथ से कि केवल थोड़ा सा पानी और हमारे सारे पाप मिट जाएंगे, जब वो डंकन का खून कर देते हैं। तो मैकबेथ कहता है कि मेरे हाथों में तो खून लगा हुआ है और मैं इनको कैसे धोऊंगा, तो लेडी मैकबेथ कहती है कि इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा पानी से हाथ धो और सब कुछ मिट जाएगा। हु रोट शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948, शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948 किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी एच बी चार्ल्टन ने। रोय वाकस द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट 1948 एंड द टाइम इज फ्री 1949 आर द बुक्स ऑन। जो रोय वॉकर की दो बुक्स हैं, एक तो है द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट और द टाइम इज फ्री, एक 1948 में आई थी और एक 1949 में आई थी। तो ये शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म के ऊपर लिखी है, शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म पर ये रोय वॉकर ने लिखी है। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम व्हाट नीडस दउ सच वीक क्विटनेस ऑफ दाई नेम स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ये लाइन जो है जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर को कही थी, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम व्हाट नीडस दउ सच वीक क्विटनेस ऑफ दाई नेम स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। नेक्स्ट है अवर मायरेड माइंडेड शेक्सपियर, दिस इज द फ्राज अबाउट शेक्सपियर बाय अवर मायरेड माइंडेड शेक्सपियर। ये लाइन जो है एस टी कॉलेज ने शेक्सपियर को बोली थी। गॉड वॉर्म्स हैव बोर्न बैड सन हु सेज, गुड वॉर्म्स सॉरी, जो अच्छी वॉर्म्स होती हैं, जो अच्छी गर्भ होता है वो भी जो है बुरे बेटों को जन्म दे सकता है। तो ये जो है ब्रेंडा ने बोली थी टेम्पेस्ट में। दोज आर पर्ल डेट वर हिज आइस, ये जो लाइन है ये द टेम्पेस्ट से ली गई है। माइजरी एक्वेंट्स ए मैन विद स्ट्रेंज बैड फॉलोज हु सेज, तो ये कही है ट्रिंकोलो ने टेम्पेस्ट में कि जो माइजरी है वो एक इंसान को पहचान लेती है विद स्ट्रेंज बैड फेलोस, जिसके कि बैड फेलोस हैं, बुरे जो है फेलो होते हैं, जिसके बुरे साथी होते हैं। हु इज साइकोरेक्स इन द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में जो साइकोरेक्स है वो कौन है? तो जो साइकोरेक्स है वो मदर ऑफ कैलिबेन है और जो कैलिबेन है वो विलन है टेम्पेस्ट का। आई एम ए फूल टू वीप एट वॉट आई एम ग्लैड ऑफ, कि मैं कितनी मूर्ख हूँ कि मैं उस चीज पर रो रही हूँ जिस पर मुझे खुश होना चाहिए। तो ये लाइन बोली थी मिरांडा ने, मिरांडा जो कि द टेम्पेस्ट में है। द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजेनेस, ये लाइन बोली थी प्रेस्पेरो ने टेम्पेस्ट में कि जो रेयर एक्शन है वो तो वर्च्यू में है ना कि वेंजेंस में। क्रोव्स एट माई कमांड हैव वॉक्ड देयर स्लीपर्स ओपन एंड लेट देम फोर्थ बाय माई सो पोटेंट आर्ट हु इज द स्पीकर। तो ये जो लाइन है ये प्रेस्पेरो बोलता है, प्रोस्पेरो वो कहता है कि मेरी कमांड पर जो ग्रेव्स हैं उन्होंने भी अपने स्लीपर्स को खड़े कर दिए हैं और उन्हें जो है खोल दिया है, उन्हें जाने दिया है। ए लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, तो ये जो है ये हेमलेट बोलता है कि किन से कहीं ज़्यादा, यानी कि जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा और काइंड से कम। Thou knowest this common all that lives must die passing through nature to eternity, तो वो ये जो लाइन है ये क्वीन जर्ट्रूड बोलती है हेमलेट को, वो कहती है कि ये तो कॉमन सी बात है और तुम्हें ये जानना चाहिए कि जितने भी जीवन हैं उनको एक ना एक दिन मरना है और ये तो जो है नेचर है एटर्निटी की और इसको तो होकर सबको ही गुजरना है, यानी कि सबको ही मरना है। क्वीन जर्ट्रूड जो है हेमलेट को कहती है, जो हेमलेट अपने फादर की डेथ पर बहुत ज़्यादा वो दुखी होता है। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमैन, ये लाइन हेमलेट बोलता है, हेमलेट की सोली लिखी है। फोल डीट विल राइज दउ ऑल द अर्थ ओवरवेलम देन टू मैंस आइज वेयर डू दिस लाइन्स अपीयर, ये लाइन आती है हेमलेट में। बी वेरी देन बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर यू थ्रू सेल्फ रेबल्स दउ नन एल्स नियर,
हु इज़ एडवाइजिंग थ्रू हूम, ये लियर्टिस ओफेलिया को एडवाइस दे रहा है हेमलेट में। लियर्टिस जो है ओफेलिया का ब्रदर है और ओफेलिया हेमलेट की गर्लफ्रेंड है। तो वो कहता है कि तुम्हें जो है वेरी रहना है, तुम्हें जो है मतलब चौकन्ना रहना है, और जो सेफ्टी है बेस्ट सेफ्टी तो वो डर में ही रहती है, यानी कि तुम अगर डरोगी तो अच्छी बात है, उससे तुम्हारी सेफ्टी ही होगी। समथिंग इज़ रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कि डेनमार्क के स्टेट में कुछ तो चल रहा है। तो ये जो है मार्कलस बोलता है हेमलेट में। द वन मे स्माइल एंड बी ए विलन, वेयर डज द लाइन अपीयर, ये भी लाइन हेमलेट में आती है कि एक ऐसा इंसान जो कि हंसता है और वो एक विलन हो सकता है। तो ये 51 जो है लाइंस, 51 जो है वन लाइनर क्वेश्चन हमने पढ़े। इसके अलावा जो है 100 क्वेश्चन और हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।